लॉजिकल फंक्शंस के अंदर अपने वो फंक्शंस आएंगे जिसमें आपका आंसर जो होता है वो एक लॉजिक पे डिपेंड होता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में जो हमको आंसर्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वो फंक्शन या तो कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे या तो कोई नंबर रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, नंबर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता था और स्ट्रिंग में भी कुछ भी हो सकता था। बट अब जो फंक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें दो ही चीजें रिटर्न हो सकती है, इधर ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा तीसरी कोई भी वैल्यू इसके अंदर रिटर्न नहीं करता है कोई भी लॉजिकल फंक्शन। तो उस टाइप के अपने कौन कौन से फंक्शन है, सबसे पहले इसमें आता है एंड। ठीक है, एंड हम लोग देख भी चुके हैं, एज अ ऑपरेटर देखा है अभी तक हमने एंड को, अब इसको एज अ फंक्शन भी हम इसके अंदर पढ़े, जिसके ये एक सपोर्टिंग ऑपरेटर ही है वैसे लॉजिकल फंक्शन के अंदर जिसको हम यूज करते हैं। तो एंड का मीनिंग यहाँ पर भी सेम है कि आप जो भी कंडीशंस दोगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन अप टू कंडीशन n, n का मतलब कितनी भी कंडीशन, तो उसके अंदर आपका ओवरऑल आउटपुट ट्रू तभी आएगा जब सारी कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी। देन अगर सारी कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। क्लियर, ये चीज तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, एंड कैसे वर्क करता है, राइट? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर और जो आपका होता है वो आपका फ्लेक्सिबल ऑपरेटर है, हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पर हम जो मल्टीपल कंडीशन एंटर करते हैं उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट आपका ट्रू में आता है, और अगर सारी कंडीशन एक साथ फॉल्स होती है तभी आउटपुट फॉल्स आता है। ओके, अब सबसे मेन फंक्शन पर आ जाते हैं लॉजिकल फंक्शन के अंदर, इफ पर, इफ फंक्शन या फिर इफ जो अपना होता है। अब आपने जैसे प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा इफ, तो काम ये यहाँ पर भी सेम ही करेगा, इफ कंडीशन चेक करनी है अगर ट्रू हो तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है, और अगर फॉल्स हो तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर भी मीनिंग सेम ही है, इफ और उसके अंदर एक कंडीशन, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस एल्स एग्जीक्यूट दैट। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज चलेगी, बट यहाँ पर लिखने का तरीका, स्पेलिंग इवन बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम इफ को सिंपल if नहीं लिखते हैं बल्कि डबल if लिखते हैं। रिटर्न वन वैल्यू इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू और अदर वैल्यू इफ इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। सिंटेक्स क्या होता है इफ का, तो आपको जस्ट लिखना है इफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इसके, ठीक है, इफ और ये इफ के ब्रैकेट ओपन एंड क्लोजिंग इसकी, देन अंदर सबसे पहली चीज जो आएगी दैट इज कंडीशन। सबसे पहले आप कंडीशन दोगे, अब इसमें वैसे नहीं चलता है जैसे आपकी प्रोग्रामिंग में था कि कंडीशन देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ट्रू पार्ट देन एल्स में फॉल्स पार्ट, इसमें एक ही ब्रैकेट के अंदर सारा काम होगा। अब इसी ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, कंडीशन देनी है, देन कॉमा से कंडीशन को टर्मिनेट करना है यानी कि एंड करना है, जब कंडीशन आपकी पूरी हो जाए देन आपको कॉमा लगाना है और फिर वो पार्ट लिखना है जो कि आप उस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो ये चीज आ जाएगी फर्स्ट कॉमा के बाद, और सेकंड कॉमा के बाद कौन सी चीज आएगी जिसको कि आप उस कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ओके, एक ही ब्रैकेट के अंदर कंडीशन भी आ गई, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो ये फर्स्ट कॉमा के बाद आपने जो भी लिखा होगा वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो यहाँ पर सीधा जंप करेगी ये फर्स्ट कॉमा के बाद जो नेक्स्ट कॉमा होगा उसके बाद आपने जो लिखा होगा उस पर सीधा सीधा जंप करेगा, और यहाँ पर आपने जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपका इफ यहाँ पर वर्क करता है। अब इसके अंदर हम कंडीशन कैसे देते हैं, ट्रू फॉल्स में पार्ट में और फॉल्स पार्ट में क्या चीजें दे सकते हैं, वो चीजें तो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे ही, बट वर्किंग कंट्रोल का जंप इस तरीके से होगा इसके अंदर। ओके, देन ओके, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं अब इफ के। ओके, लेट्स सपोज ये अपनी टेबल है, एम्प्लॉयज उनकी डेजिग्नेशन और उनकी सैलरी। अब हम यहाँ पर एक
यूजर अभी कुछ भी एंटर कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन एंटर कर सकता है और उसकी क्या कर सकता है, सैलरी कुछ भी एंटर कर सकता है, जीरो से लेकर के मैक्सिमम कितने भी नंबर इसमें दे सकता है यूजर, करेक्ट। बट हम यहाँ पर अब क्या करना चाहते हैं, एक वैलिडेशन रूल रखना चाहते हैं कि भाई अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी की रेंज डिसाइड करना चाहते हैं हम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, सैलरी की रेंज डिसाइड करना चाहते हैं। जैसे सपोज हम लोग चाहते हैं कि जो आपके एचआर के पर्सन हैं, एचआर जो अपना डिपार्टमेंट है उसके अंदर सैलरी हो 20 से कम ना हो, 20,000 से लेस देन नहीं होना चाहिए, ओके, और 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कुछ कंडीशन रखना चाहते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए भी, सेल्स के लिए भी, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम एक पर्टिकुलर रेंज बनाना चाहते हैं। तो अब इसमें आप सोचो कि इसमें क्या कंडीशन लगेगी पहले। तो मार्केटिंग का हमने रखा है कि भाई आपका 15,000 से स्टार्ट होकर के अप टू ये 45 तक जाएगा, 45 तक जाएगा, ये सेम रहेगा, इस तक जाएगा। तो अब अपनी क्या कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अभी तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एचआर में आप 80,000 सैलरी डाल सकते हो, मार्केटिंग में आप जीरो डाल सकते हो, पर हमें वो नहीं करवाना है। तो उसके लिए हमें पहले तो चेक करवाना पड़ेगा कंडीशन की डेजिग्नेशन क्या है, करेक्ट। पहले हमें डेजिग्नेशन चेक कराना पड़ेगा, इफ डेजिग्नेशन is equals to HR, designation is equals to HR, अगर true होता है तो आपकी जो salary है वो greater than equals to 20 and less than equals to 50 होनी चाहिए, else part में फिर आपकी ये वाली range होनी चाहिए, correct। समझ में आ रही है बात। हमको पहले check करवाना है इसके अंदर कि designation क्या है। अगर एचआर है तो मैच कर जाएगा तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू, और उस केस में ये वाली रेंज आपको देनी है। और अगर फॉल्स आ रहा है, दैट मींस कि यूजर ने मार्केटिंग एंटर किया है, तो उस केस में आपकी ये वाली रेंज आनी चाहिए यहाँ सैलरी वाले ब्लॉक पे। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन आवर डिजाइन व्यू। हम लोग डिजाइन व्यू पे जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स यूज हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हमको रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें डेजिग्नेशन, सैलरी सब कुछ यूज करेंगे इसलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन रूल बनाएंगे यूजिंग इफ फंक्शन। इफ तो हमको चाहिए ही होगा यहाँ पर, बिकॉज हमको कंडीशन चेक करनी है। तो अब आ जाओ सबसे पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर सिंपली लिखने की जगह पर हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन बिल्डर, जो मैंने बताया था कि हम आगे जाकर के इसको यूज करेंगे। तो अब हम एक्सप्रेशन बिल्डर को यूज करेंगे, क्योंकि हम जो लाइन लिखने वाले हैं वो इतने में तो आएगा नहीं, और बड़ा विंडो को करें ये भी। जब अपने पास एक्सप्रेशन बिल्डर विंडो है तो हम यहाँ पर अपनी पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हमने लिखा if bracket open and close। अब इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या जाता है, इसके अंदर पहला पैरामीटर जाता है कंडीशन। तो कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, जो आपका डेजिग्नेशन वाला फील्ड है जिसकी स्पेलिंग है DES, अगर ये इक्वल है किसके, HR के, HR, तो कंडीशन हमने डाली इफ डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू एचआर, इक्वल इक्वल्स टू के लिए यहाँ पर इक्वल्स टू ही आता है एक्सेस के अंदर, तो यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों की इक्वालिटी। तो इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। तो ट्रू पार्ट में आप क्या लिखना चाहते हो, वो आप फर्स्ट कॉमा के बाद। तो ट्रू पार्ट के बाद हम चाहते हैं कि अगर डेजिग्नेशन एचआर होती है तो हमारी जो सैलरी है, salary should be greater than equals to 20,000 and
सैलरी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 50,000. ये है हमारा ट्रू पार्ट. देन कॉमा किया, कॉमा के बाद फॉल्स पार्ट आएगा कि अगर ये कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में दी है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो. मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. फॉल्स पार्ट में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो सैलरी की रेंज क्या होनी चाहिए. देन सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 क्योंकि हमने दो ही पोस्ट के लिए भी बनाया है. तो अगर एचआर नहीं होता है तो फिर मार्केटिंग होगा और मार्केटिंग हुआ तो फिर अपनी जो रेंज है वो क्या है वो 15 to 45 है. राइट. सैलरी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 45,000. तो ये हमने एक कंडीशन लिखी है. अब इसमें देखो हमने थोड़ा इनफील्ड को बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं टाइप किया तो कोई एरर ना आए इसके लिए आप एक्यूरेटली टाइप इसमें कर लिया. एस कंट्रोल एस कर लिया, सेव कर लिया हमने इसको. अब देखो हमने क्या कंडीशन दी है. इफ डेजिग्नेशन इक्वल्स टू एचआर देन अगर शो होता है तो सैलरी 20,000 एंड 50,000 के बीच में होनी चाहिए. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे आ जाना चाहिए इसको यहाँ सेकंड कॉमा के बाद. तब सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर एचआर नहीं है डेजिग्नेशन तो 15 and 45 के बीच में अपनी सैलरी होनी चाहिए. तो हमने इसको ओके किया, सेव कर लिया. यस एंड नाउ सपोज स्टूडेंट है हमारे पास. अक्षित डिपार्टमेंट है एचआर. ठीक है डिपार्टमेंट एचआर है. अभी हम इनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं 35,000. ज्यादा हो गया. ठीक है 35,000 हमने इनको दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट सपोज है चेतन. चेतन को हमने एचआर डिपार्टमेंट में ही रखा है और इनको हम सैलरी दे रहे हैं सपोज 60,000. अब ये अकॉर्डिंग टू आवर वैलिडेशन रूल इनकरेक्ट होगा क्योंकि जब हमने एंट्रीज की तो क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई कि डेजिग्नेशन के अंदर क्या एंट्री आई. हमने लिखा था कि इफ डेजिग्नेशन इक्वल्स टू एचआर और यस डेजिग्नेशन इक्वल टू एचआर ट्रू होगी कंडीशन. तो इसका कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला यानी कि ट्रू वाला. तो इसके अंदर इसने सैलरी देखा क्या सैलरी की रेंज 20,000 एंड 50,000 के बीच में है तो 60,000 तो अबव जाता है इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई और इसका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ. अब क्योंकि ये वाला पार्ट का आउटपुट फॉल्स आया, इसका आउटपुट फॉल्स आया है ना क्योंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, इस रेंज के बीच में नहीं आ रहा है. फॉल्स होने का मतलब है कि इस एंट्री को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है और अगर आप यहाँ पर मार्केटिंग लिखते, ठीक है लेट्स सपोज हमको समझ में आ गई अपनी मिस्टेक, हमने इनको 40,000 सैलरी दे दी तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमने लिखा मार्केटिंग और अब हम इनको सैलरी दे देते हैं 50,000. तो भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसने चेक किया कि क्या डेजिग्नेशन एचआर है. तो देखो डेजिग्नेशन क्या एचआर है, नहीं मार्केटिंग है. अब फॉल्स वाले पे आ जाएगा फिर ये एग्जीक्यूशन के लिए. फॉल्स पे आया तो ये जो 50,000 है ये इस रेंज के बियॉन्ड है, दैट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर आपकी फॉल्स हो गई इसलिए इस एंट्री को उसने एक्सेप्ट नहीं किया. अगर हम एचआर नहीं डाल रहे हैं उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट डाल रहे हैं तो हम उसको 15 to 45 के बीच में ही सैलरी दे सकते हैं, उससे अबव या बिलो हम नहीं दे सकते. तो हमको इसको इसके अकॉर्डिंग ही सैलरी प्रोवाइड करनी होगी. ओके समझ में आई ये चीज.
तो ये था अपना इफ फंक्शन जिसका मैंने पहला एग्जांपल कराया है, अभी इसके हम और भी कई एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया या फिर नहीं आया आप पहले ये बता दीजिए, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। तो अब हम थोड़ा सा इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एनहांस करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना क्योंकि आपने जल्दी से पिक कर लिया एग्जांपल, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और चीजें ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि हमने क्या किया था, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि एचआर हो तो सैलरी रेंज ये हो, लेकिन एचआर के अलावा हमने कोई कंडीशन नहीं दी है। क्या हमने कोई कंडीशन दी है यहाँ पे? हमने जस्ट क्या दिया, एचआर दिया। अगर मैं यहाँ पर सेल्स डालती हूँ, यहाँ पर डेजिग्नेशन की जगह डिपार्टमेंट डालना चाहिए था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सेल्स मैंने डाल दिया। अभी भी अगर मैं इस सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 70,000 सैलरी प्रोवाइड, तो वो नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा है ये? क्योंकि अदर देन एचआर इसके लिए सब एल्स है, अदर देन एचआर सब फॉल्स होगा और सब के सब इस फॉल्स वाले पार्ट पे जाकर के फॉल हो जाएंगे और ये वाली चीज एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एचआर के लिए दी है कि एचआर अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, एचआर अगर फॉल्स होता है उसके बाद की हमने कोई कंडीशन चेक नहीं कराई है कि अगर एचआर नहीं है तो क्या है वो, ये तो हमने चेक ही नहीं कराया ना, हमने तो जस्ट ये चेक कराया एचआर है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए और एचआर नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। फिर भले ही वो पार्ट मार्केटिंग हो या फिर सेल्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें इफ के अंदर दोबारा इफ देना पड़ेगा, नेस्टेड इफ देना पड़ेगा जो कि हमने अभी तक नहीं दिया है, तो हम वो चीज भी इसके अंदर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? वापस आ गए हम अपने वैलिडेशन रूल पर। अब हम यहाँ आ गए वापस। अब देखो हमने क्या बोला है कि डेजिग्नेशन अगर एचआर हो तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, else ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, डायरेक्टली हमने बोल दिया। लेकिन अब हम यहाँ पर ये चीज डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, अब हम मैं इसको कट कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस से इफ दे रही हूँ कि भाई अगर एचआर नहीं है तो क्या है फिर डेजिग्नेशन, उसके लिए भी मैं एक कंडीशन देना चाहती हूँ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोबारा से इफ लिखेंगे, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एक अलग फंक्शन है तो उसका अपना सिंटेक्स पूरा आएगा यहाँ पर, उसका ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर की कंडीशन और इसके अंदर के ट्रू एंड फॉल्स पार्ट, ठीक है, इसके अंदर की कंडीशन क्या है कि अगर डेजिग्नेशन आपकी एचआर नहीं है तो क्या डेजिग्नेशन मार्केटिंग है, मार्केटिंग है, इफ यस देन आपका जो सैलरी था वो आप यहाँ पर बता सकते हो, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 एंड सैलरी शुड बी less than equals to 45,000, ठीक है। ये तो हो गया उस कंडीशन का ट्रू पार्ट कि भाई अगर आपका मार्केटिंग है तो ये हो, अगर मार्केटिंग भी नहीं है तो फिर ये इसके फॉल्स पार्ट में आएगा। तो फॉल्स पार्ट में आकर के आप यहाँ पर फिर से यही चीज है कि डायरेक्टली वैल्यू देना चाहते हो या फिर आप फिर से इफ लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर हम क्या करें, आपके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली सैलरी रेंज लगा लेते हैं, ठीक है। इसको तीसरी और चौथी कंडीशन आप लोग खुद लगा करके मुझे बताना है, इसको मैं आपको कुछ डिपार्टमेंट लिखवा दूंगी, उनकी रेंजेस लिखवा दूंगी और उसके लिए क्या कंडीशन आप बनाते हो वो आप बना के मुझे मंडे को एक बार चेक करवा। सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सपोज हमने 30,000 रखा है, फिर राइट ग्रेटर देन 30,000 होना चाहिए, बस इतना ही कर रहे हैं हम, एंड या और नहीं लगा रहे, ठीक है। सेव कर लिया, ओके सेव।
रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, आप देखते हैं कि कहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट गलत हो गए हैं। डेजिग्नेशन एच आर सैलरी दिस एंड दिस, ये आपका ट्रू पार्ट हो गया। देन ये आया आपका फॉल्स पार्ट, फॉल्स पार्ट के अंदर हमने इफ लगाया है, तो इफ का ये है कंडीशन और ये उसका ट्रू पार्ट। ओके, ये ब्रैकेट पहले ही क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट जो इफ का ब्रैकेट था वो पहले ही क्लोज हो गया। ठीक है, इफ का ब्रैकेट कहाँ क्लोज होना चाहिए था, ये पूरा पार्ट सेकंड इफ का है ना, कंडीशन ट्रू पार्ट फॉल्स पार्ट देन ब्रैकेट क्लोज, ये यही प्रॉब्लम है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हमने एचआर और मार्केटिंग दोनों के लिए रिस्ट्रिक्शन डाल दी है, बाकी किसी डेजिग्नेशन के लिए हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कभी भी नहीं बोलते हैं उनके नेम भी लिख लेते हैं आज। अनुराग, हमने बोला अनुराग एचआर में है और इनको सैलरी हम दे रहे हैं कितनी रेंज रखी थी हमने, 50,000। अगर हम 55,000 इनको दे रहे हैं तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ट्रू है, हमने इनको 45,000 दी तो ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे हमारे एम्प्लॉय हैं, लेट सपोज अभिजीत, तो अभिजीत को, अभिजीत को हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं, मार्केटिंग एंड सैलरी रेंज है मार्केटिंग की 15 to 45, तो अगर हम इनको 50 देते हैं तो देखो नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट, ये नहीं कर रहा है इसको एक्सेप्ट। अब हम इनको सैलरी दे देते हैं 40, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, देखो अब मार्केटिंग स्पेशली चेक कर रहा है वो कि क्या मार्केटिंग है, मार्केटिंग है तो फिर इस रेंज के अंदर आ रहा है, अदरवाइज नहीं। अब तीसरी रेंज जो अपनी आई है वो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें डिपार्टमेंट आप कुछ भी डालिए वो चल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हरी स्वरूप ले लेते हैं, स्वरूप बहुत अच्छे से समझते हो आप चीजों को, वेरी गुड। ठीक है, अब सपोज इनका डिपार्टमेंट है सेल्स, सेल्स और यहाँ पर हम लोगों ने क्या रेंज दी है, अबव 30,000। हमने एचआर और मार्केटिंग को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया बट उनके अलावा हमने किसी को भी डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली नहीं बताया कि इस डिपार्टमेंट के लिए ये होना चाहिए, तो इसमें आप सेल्स डालो या कोई भी अदर डिपार्टमेंट डाल दो एचआर और मार्केटिंग के अलावा, तो वहां पर आपको 30,000 के अबव देना पड़ेगा सैलरी। अगर मैं 25,000 दूं तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, अबव 30,000 आप कुछ भी सैलरी दे रहे हो तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, 45 दे दिया। अगर मैं यहाँ पर 80 दूं तो ये 80 भी एक्सेप्ट कर लेगा, अबव 30 होना चाहिए बस। तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमारी कंडीशन के जैसे ही वर्क कर रहे हैं, जैसे हमने बोला था बिल्कुल वैसा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है, एचआर और मार्केटिंग के लिए तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब अगर हमको इसको सेल्स के लिए भी करना हो, इसमें कुछ चीजें ऐड कर लीजिए आप, जैसे हमको यहाँ पर सेल्स के लिए भी करना हो रिस्ट्रिक्शन, सेल्स और कौन सा डिपार्टमेंट होता है, एचआर मार्केटिंग सेल्स, एक और प्रोडक्शन, ठीक है, एक प्रोडक्शन भी रख लीजिए। चौथा डिपार्टमेंट है यहाँ पर प्रोडक्शन,
इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर सपोज हमको रेंज देनी है 25 से लेकर के 60, ठीक है, सेल्स के लिए 25 से लेकर के हमको 60 तक देना है, और प्रोडक्शन के लिए हमें देना है 20 से लेकर के 70 तक, 1000, सब 1000 है। तो इसके लिए आपको इफ के थ्रू पूरा प्रॉपर कंडीशन बनानी है, तो इसको एक बार ट्राई करना। आई नो ये बहुत ज्यादा इफ के अंदर इफ लूपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इससे आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करना, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेम्प्ट करो, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपने लिखा और नहीं चल रहा है, उसको एज इट इज आप मुझे स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा सकते, ठीक है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब किसी को भी कोई भी इश्यू है इफ के अंदर कैसे वर्क करता है इफ, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है बट वो रिलेटेड नहीं थे अपने उससे, तो उनको मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दीजिए, ये मिक्स कर देता है एसक्यूएल वगैरह को। तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो ऐसे कंडीशन, और बाकी आपके क्यू बैंक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको उनका शो भी कर देती हूँ।